12 बज रहे हैं, आप सो जाइए ना। तुम्हें मालूम नहीं मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। ओहो, भगवत गीता तो आपको और ना बिछोना है। अच्छा, एक ही किताब आप रोज रोज पढ़ कर बोर नहीं हो जाते? सावित्री, तुम रोज चाय पीती हो, दोपहर को रात को खाना खाती हो, दिन को जागती हो, रात को सो जाती हो, क्या तुम्हारा दिल उगता नहीं जाता? खाने पीने और नींद के बगैर जिंदगी तो क्या? तो फिर उसी तरह भगवत गीता की जाप के बगैर मेरा जीवन कुछ नहीं। ये कोई नॉवल नहीं जो पढ़ा और फेंक दिया। भगवत गीता जितनी बार भी पढ़ी जाए, कोई ना कोई नई बात समझ में आती है। जैसे खाने पीने और सोने का जीवन से संबंध है, उसी तरह भगवत गीता के जाप का आत्मा और परमात्मा से संबंध है। फिर वही भाषण, न किसी ने आत्मा देखी है न परमात्मा। अब सुबह तक पढ़ेंगे क्या? जब तक नींद नहीं आएगी तब तक तो जरूर पढ़ूंगा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चलिए ना। ये जरूरी थोड़ी है कि जब तक मैं जागू तुम भी जागो। जाओ सावित्री, सो जाओ। अच्छा जी। मुझे क्या होना? लेकिन तुम क्यों कांप रहे? क्या हुआ? अभी अभी गुंडे ने आपके सीने पर छुरे से वार किया था। मेरे सीने पर? हमला तो उसने आप पर किया था, लेकिन ये किताब? मैं भगवत गीता पढ़ते पढ़ते सो गया था। भगवत गीता मेरे सीने पर ही रखी थी। अगर मेरी आंख न खुलती तो वो गुंडा पर फिर हमला करता। ये तो मेरी अच्छी किस्मत है कि आप। तुम्हारे सुहाग का रखवाला मेरा बंसी वाला है। आज ये भगवत गीता ने ढाल बनकर मेरे जीवन की रक्षा की और उसी ढाल ने आज छुरे का वार रोक लिया, वरना तुम्हारा सुहाग। ऐसा मत कहिए। अब सो जाइए। इंसान सोता है और भगवान जागता है। जब तक उस रखवाले को मंजूर नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काश मेरा कोई दिल चीर देता, लेकिन मेरी भगवत गीता परवाह न करता।